हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बर शिवम चैनवन टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 18 तक हमारी शॉर्ट एंड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 17 हम करेंगे, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 18 आता है, लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। इसके बाद हमारी पूरी शॉर्ट हैंड की बुक पूरी कम्प्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम 78 नंबर पॉइंट से, जिसका टॉपिक है हमारा डाइफोन्स। 17 नंबर चैप्टर में आता है। एक टॉपिक था हमारा डिप्थोंग्स, और डिप्थोंग्स अलग है एंड डाइफोन्स अलग है, दोनों को आप मिक्स मत करना, ठीक है। तो डाइफोन्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, द टू कंसेक्यूटिव वोवल्स प्रोनाउंस्ड इन अ टू सेपरेट सिलेबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एंग्लो साइन। तो जब आपकी दो वोवल की साउंड किसी वर्ड में दो, एक वोवल प्लस दूसरा वोवल, दो वोवल की साउंड एक साथ आ जाए, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव वोवल्स प्रोनाउंस्ड इन सेपरेट सिलेबल, तो दो वोवल की साउंड एक साथ आ जाए उसको हम डाइफोन्स बोलते हैं, ठीक है। इन अ टू सेपरेट सिलेबल द रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर साइन, ये अपने एंगल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, और एक एंगल है ये वाला एंगल। तो दो एंगल्स हैं, दो एंगल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दीज साइंस आर कोल्ड डाइफोन, इन दोनों साइंस को ही हम बोलते हैं डाइफोन्स। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जब किसी वर्ड के बाद, किसी कॉन्सोनेंट्स के बाद दो वोवल की साउंड एक साथ आ जाए तो उसको हम डाइफोन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे और उसके एंगल हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इन दो एंगल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं डाइफोन्स, ठीक है। ये वाला दो एंगल आपके कब कब यूज़ किए जाते हैं वो अब हम जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है, द फर्स्ट रिप्रेजेंटेड अ डॉट वोवल फॉलोड बाय एनी अदर वोवल, जब आपकी डॉट वोवल की साउंड आ रही होगी, डॉट वोवल कोई सही प्लेस का वोवल हो, फर्स्ट प्लेस का वोवल हो, सेकंड प्लेस का वोवल हो या थर्ड प्लेस का वोवल हो, पर आपकी डॉट वोवल की साउंड आ रही होगी उसके अंदर, उसके बाद आपकी एनी अदर वोवल कोई सी भी वोवल की साउंड आ रही होगी, चाहे आपका वो डैश हो या फिर आपका डॉट हो, कोई सी वोवल की साउंड आ रही होगी एनी अदर वोवल, तो उस कंडीशन में आपको इस एंगल से रिप्रेजेंट करना होगा डाइफोन्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस एंगल की बात, तो इस एंगल की बात लिखे हुआ रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश वोवल फॉलोड बाय एनी अदर वोवल, जब आपकी डैश वोवल की साउंड आ रही होगी, डैश वोवल की साउंड आ रही होगी, उसके बाद आपकी एक और वोवल की साउंड आ रही होगी, वो आपका कोई सा वोवल हो सकता है, डॉट का हो, डैश का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई सा वोवल हो, तो उस कंडीशन में हम इस एंगल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके दोनों डाइफोन्स हैं, इनको आपको याद रखना है। जब आपकी डॉट वोवल की साउंड आ रही है उसके बाद आपकी कोई एनी अदर वोवल की साउंड आ जाए तो आपको ये वाला एंगल यूज़ करना है वर्ड के अंदर, ठीक है। और जब आपकी डैश वोवल की साउंड आ रही हो तो उसके बाद आपकी दूसरे वोवल की साउंड आ रही है तो आपको ये वाला एंगल यूज़ करना है। तो इसके बाद मैं आगे पॉइंट पढ़ लेता हूँ। इसके अंदर द साइन आर राइटिंग इन अ प्लेस ऑफ फर्स्ट वोवल ऑफ अ कॉम्बिनेशन, जो इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे डॉट का वोवल फर्स्ट प्लेस का वोवल आ रहा है तो उसके हिसाब से ही, तो लिखा हुआ द साइन आर रिटिंग प्लेस और रिटन इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट वोवल इन द कॉम्बिनेशन। जैसे आपका डॉट का वोवल है तो डॉट का वोवल आपका फर्स्ट प्लेस का डॉट का वोवल आ रहा है तो उसके हिसाब से आपकी आउटलाइन ड्रॉ होगी। अगर आपका सेकंड प्लेस का डॉट का वोवल है तो उसके हिसाब से आपके ऑन द लाइन आउटलाइन ड्रॉ होगी। अगर आपका थर्ड प्लेस का डॉट का वोवल आ रहा है तो आपके थ्रू द लाइन वर्ड आपका ड्रॉ होगा, उसके बाद चाहे आपका कोई सा ही वोवल आ रहा हो। इसी तरह आपका डैश का है, अगर फर्स्ट प्लेस का डैश के वोवल की साउंड आ रही है पहले कंसेक्यूटिव वोवल में, उसके बाद आपका कोई सा वोवल आ रहा है तो आपका वर्ड अबव द लाइन ड्रॉ होगा। उसी तरह सेकंड प्लेस का ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस का थ्रू द लाइन, ठीक है। तो ये रूल आपको याद करना है बिल्कुल अच्छे से। तो डाइफोन्स ये हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हम डाइफोन्स के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डाइफोन्स का पार्ट। तो एग्जांपल में आता है इसके अंदर जैसे पेबल, पे एबल, तो आपको पूरा साउंड पे ध्यान देना है इसके अंदर। तो पे आपने लिख दिया पे, ठीक है, पे एबल, पे के बाद ए, ए की साउंड आई, पे एबल, पे के बाद ए की एक और वोवल की साउंड आई, फिर एबल की साउंड आई, पे ए बल, ठीक है। तो पे का बन गया, तो एंगुलर साइन आपका कौन सा है इसके अंदर, डॉट का वोवल की साउंड आ रही है तो एंगल कौन सा यूज होगा, ये वाला एंगल यूज होगा, तो पे एबल। पहले आपको पूरा वर्ड ड्रॉ कर लेना है, फिर आपको ये वाला एंगल लगा देना है, पे एबल। नेक्स्ट है सेइंग, ठीक है।
तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर साउंड को ध्यान में रखने, तो आपको बिल्कुल साउंड को ध्यान में अच्छे से रखना है, पे ए बल आपको बोल बोल के देखना है, फिर आपको इसके अंदर वर्ड ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर सेइंग, से ए का बोल के साउंड एइंग एइंग से इंग से इंग, तो ए की बोल की साउंड आएगी तो डॉट का बोल है तो ये वाला एंगल यूज होएगा सेइंग। नेक्स्ट है कैरिंग, कैरिंग कै का बोबल फिर आर फिर इंग कै रिंग रिंग ई का आई का थर्ड प्लेस का डिप्थोंग कैरिंग, ठीक है। तो इसके बाद आपकी वो अनदर बोबल की साउंड आए इसलिए डाइफोन्स लगा दिया कैरिंग। नेक्स्ट है अर्लीएस्ट, ठीक है अर्लीएस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका आई डल, आई का डिप्थोंग फर्स्ट प्लेस का फिर ड ल आई डल डी अ ल, ठीक है। तो ये वाला इसके अंदर डिप्थोंग यूज हो जाएगा, पर इसको अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आपका पहले इसके अंदर डिप्थोंग आ गया तो इसने डिसाइड कर दिया वर्ड आपका अबव द लाइन बनेगा, तो आपको इसको ध्यान पे नहीं रखना है, तो वर्ड आपको अबव द लाइन ही बनाना है। आइडल हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर मटेरियल, पियानो, रेडियो, इसके अंदर सभी एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो इन सभी एग्जांपल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, साउंड को देख देख के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब हम डैश वाले इसके अंदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो डैश वाले इसके अंदर पहला एग्जांपल है कोऑपरेट, कोऑपरेट, ठीक है। तो वर्ड को इजी करने के लिए इसके अंदर वर्ड को बांट दिया है, तो आपको इसके अंदर साउंड को देखना है, को की साउंड ओ को प रेट, ठीक है। तो के बाद ओ की वोवल की साउंड आ रही है, ओ के बाद एक और वोवल की साउंड है, कोऑपरेट, कोऑपरेट। तो इसके अंदर डिप्थोंग डैश वाला इसके अंदर यूज होगा, तो एंग्लो साइन डैश के लिए कौन सा यूज होता है, ये वाला होता है, तो कोऑपरेट, ठीक है, ए का वोवल कोऑपरेट। नेक्स्ट है कोऑपरेशन लिखना हो तो इसके अंदर आर के साथ शन हुक लग जाएगी, कोऑपरेशन। नेक्स्ट है फॉलोइंग, फॉलोइंग, फॉलो एल के बाद ओ इंग फॉलोइंग, ठीक है। तो डैश की ओल की साउंड आई, उसके बाद एक रोल की साउंड आई, तो फॉलोइंग, आपको साउंड को देना फॉलो इन, साउंड को देख के आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है जैसे इसके अंदर एग्जांपल ग्रोइंग, ग्रो इन ग्रोइंग, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे इसके अंदर दिया है नोइंग, लोअर, लोएस्ट, पोएम, शोइंग, अकॉर्ड, अकरिंग, ज्वेल, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, सभी इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है दोनों रूल्स को, डॉट के साथ, डॉट होल के साथ आपको ये वाला एंगल एंड डैश होल के साथ आपको ये वाला एंगल यूज़ करना है, जब आपका इसके बाद अनदर होल की साउंड आए डाइफोन्स मतलब आए तब आपको ये वाला एंगल यूज़ करना है। तो सभी एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, तो और भी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर दिए गए हैं पिटमैन शॉर्ट नियर बुक के अंदर, तो सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये था हमारा 78 नंबर पॉइंट। अब 79 नंबर पॉइंट अब देख लेते हैं। 79 पॉइंट है द कॉन्सिक्यूटिव वोवल इन अ वर्ड लाइक क्वेश्चन, जैसे कॉन्सिक्यूटिव वोवल आते हैं इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल दिए गए आर रिप्रेजेंटेड बाय इस एंगल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है, इस वाले एंगल से, जो आपका डैश वाला है इस एंगल से एग्जांपल रिप्रेजेंट किए जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ऐसे, पहला एग्जांपल है क्वेश्चन, तो को क्वा श को शन, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है यूनियन, यू नियन नियन यू नियन, तो इन वर्ड के साथ आपका ये वाला डैश वाला आपका यूज किया जाएगा डाइफोन्स। सजेशन हो गया, मिलियन हो गया एग्जांपल,
मी लियन लियन मी ली यन ठीक है यन ठीक है यन की साउंड आई इस एंगल से रिप्रेजेंट की जाएगी ठीक है। ऐसे ग्रेजुएशन हो ग्रेजुएन हो गार्डियन हो गया ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका 79 नंबर पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं 80 नंबर पॉइंट जो है आपका मीडियल डब्लू। तो 80 नंबर पॉइंट है आपका मीडियल डब्लू मीडियल डब्लू ठीक है। तो पॉइंट्स में पूरा पढ़ देता हूँ। देर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच डब्लू कंबाइंड विद अ वोवल इन अ मिडल ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सेमी सर्कल टू गिवन इन अ अर्लियर और शॉर्टर आउटलाइन। तो शॉर्टर एंड इजीली आपके आउटलाइन बन जाए उसके लिए आपका जो मीडियल डब्लू है जब आपकी मिडल में डब्लू की साउंड आएगी वोवल के बाद आ जाए मिडल में आपकी वो डब्लू की साउंड आएगी तो वो आपकी सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट की जाएगी आपके मिडल में डब्लू की साउंड आएगी ठीक है। तो आगे पॉइंट में पढ़ देता हूँ। द लेफ्ट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट डब्लू फॉलोड बाय अ डॉट वोवल लेफ्ट सेमी सर्कल। तो आपका सेमी सर्कल ये दो सेमी सर्कल आपके मीडियल डब्लू में लगे तो दो सेमी सर्कल है एक आपका लेफ्ट वाला तो ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट। तो दो आपकी मीडियल डब्लू है तो कब आपका लेफ्ट यूज़ किया जाएगा कब आपका राइट किया जाएगा तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब। तो जो आपका लेफ्ट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट्स डब्लू फॉलोड बाय अ डॉट वोवल तो डॉट वोवल के बाद आपकी मीडियल डब्लू की साउंड आ गई डॉट वोवल के साथ आपकी मीडियल डब्लू की साउंड आ गई जब आपकी तो वो आपका इसके अंदर आपका लेफ्ट वाला यूज़ किया जाएगा लेफ्ट ये वाला किया जाएगा लेफ्ट मीडियल डब्लू आपका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर एंड राइट सेमी सर्कल डब्लू फॉलो बाय डैश वोवल तो डैश वोवल के साथ आपका राइट वाला मीडियल डब्लू यूज़ किया जाएगा राइट वाला सेमी सर्कल ये वाला ठीक है। तो ये था आपका मिडिल डब्लू। आगे पॉइंट पढ़ देता हूँ मैं इसके अंदर। द सेमी सर्कल्स आर रिटन इन द प्लेस ऑफ अ वोवल विद विच द डब्लू इज कम्बाइंड जिस वोवल के साथ आपका डब्लू कम्बाइंड हुआ है उसी प्लेस पे आपका इसके अंदर डब्लू बनेगा। सेकंड प्लेस वोवल के साथ आपकी डब्लू की साउंड आ गई तो सेकंड प्लेस वोवल के स्थान पे आपका इसके अंदर मिडिल डब्लू लेफ्ट वाला बनेगा ठीक है। थर्ड प्लेस की आ गई तो आपका इसके अंदर थर्ड प्लेस पे की जगह पे आपका मीडियल डब्लू बनेगा ठीक है। ठीक है तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं मीडियल डब्लू के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है 12 तो टू वे सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है डॉट की इसके अंदर साउंड आ रही है तो डॉट के साथ आपका कौन सा आएगा लेफ्ट वाला यूज होगा सेमी सर्कल ट्वेल्व ठीक है। टी के बाद इसके अंदर डब्ल्यू की साउंड आ रही है ट्वेल्व डब्ल्यू की भी साउंड आ रही है डॉट वोवल की साउंड आ रही है तो इसके अंदर आपका सेमी सर्कल ये वाला हम यूज कर देंगे 12। नेक्स्ट है 20 20 में भी ये वाला यूज होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका फ्रीक्वेंटली ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका ये वाला इसके अंदर सेमी सर्कल यूज होगा क्योंकि डॉट वोवल की साउंड है। नेक्स्ट है हेयर विद आ गया। नेक्स्ट है सबसिक्वेंट आ गया हार्डवेयर आ गया हार्ड वेयर में भी इसके जैसे हार्डवेयर के अंदर सेकंड प्लेस की एक ही वोवल की साउंड आ रही है हार्ड वेयर ठीक है। तो हार्ड वेयर सेकंड प्लेस का इसके अंदर ये वाला इसके अंदर यूज हो गया ये वाला एंगल आपका ये वाला सेमी सर्कल लेफ्ट वाला यूज हो गया हेयर विद हो गया। नेक्स्ट है गुड विल है मिस क्वाट तो मिस क्वाट में आपकी डैश वोवल की साउंड है मिस क्वाट तो मिस
क्वाट, ठीक है। तो मिस के साथ आपकी क्वाट, ओ की वोवल की साउंड है, उसके अंदर राइट वाला सेमी सर्कल यूज होगा। मिस क्वाट हो गया, गेस वर्क हो गया, गुड वर्क हो गया, गुड वर्क में भी आपका इसके अंदर राइट वाला इसके अंदर सेमी सर्कल यूज हुआ है, ठीक है। सभी एग्जांपल इसके अंदर दिए गए हैं मीडियल डब्ल्यू के, तो इन सभी की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मीडियल डब्ल्यू की। इसके बाद हम स्पेशल आउटलाइंस देख लेते हैं 80 नंबर पॉइंट में। इसके अंदर कुछ स्पेशल आउटलाइंस हैं, तो पहली इसके अंदर स्पेशल आउटलाइन है क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी या आउटलाइन ये आपकी बनेगी। इसके अंदर मीडियल डब्ल्यू इस तरह यूज़ किया जाएगा स्टार्टिंग में, क्वालिटी ये आपके वर्ड ऑन द लाइन बनेगा। नेक्स्ट है क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड की आपकी आउटलाइन होगी क्वालिफाइड, ठीक है। क्वालिफाइड वर्ड आपका बनेगा अबव द लाइन। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, आपको लिखना हो तो यही आपकी आउटलाइन आएगी, फिर एफ के साथ इसके अंदर केशन जुड़ जाएगा, क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आउटलाइन है समवट, तो सम लिख देंगे हम, सॉरी सम आपका लिखा जाएगा इसके अंदर हाफ करके, हाफ कर देंगे, तो सम वट के जगह इसके अंदर डब्लू का हम इसके अंदर सेमी सर्कल यूज कर देंगे सम वट, ठीक है। तो इससे भी थे आपके स्पेशल आउटलाइंस। इसके बाद हम देख लेते हैं 80 नंबर पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, मीडियल डब्ल्यू है, लेफ्ट के साथ आपका इसके अंदर डॉट वॉल के साथ होगा और राइट के साथ आपका इसके अंदर डैश वॉल के साथ मीडियल डब्ल्यू लिखा जाएगा। तो ये था आपका मीडियल डब्ल्यू का पार्ट 80 नंबर पॉइंट से। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 81 नंबर पॉइंट। तो 81 नंबर पॉइंट है आपका अपवर्ड, SH, अपवर्ड SH, द स्ट्रोक SH इज रिटन अपवर्ड इन सर्टेन केसेस टू ऑब्टेन अ बेटर आउटलाइन। तो अच्छी आउटलाइंस बनाने के लिए, क्लियर आउटलाइंस बनाने के लिए, सबको समझ में आए इसलिए आपको इसके अंदर जो SH की आउटलाइन है आप डाउनवर्ड बनाते थे, SH ऐसे बनता है, पर कुछ केसेस में आपकी बेटर आउट में आने के लिए हम SH को अपवर्ड लिखेंगे। तो अपवर्ड कैसे लिखेंगे हम, वो मैं आपको इसके अंदर एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो जैसे इसके अंदर पहला एग्जांपल है फिनिश, तो अगर आपको फिनिश वर्ड लिखना हो फी नी शिक, इसके फिनिश के लिए आप इसके अंदर डाउनवर्ड वाला इश की साउंड जो देता है, ठीक है, तो फिनिश के लिए आप इसके अंदर डाउनवर्ड वाला इसके अंदर नहीं यूज़ कर देते, ये कन्वीनियंट नहीं होगा, बेटर आउटलाइन इसके अंदर शो नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अपवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, फिनिश अपवर्ड वाला इश इसके अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिनिश। समझ में आ गया आपकी आपको एग्जांपल। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है शेव, तो शेव अगर हम ऐसे बनाते हैं तो बेटर आउटलाइन नहीं होगी, तो शेव के लिए हम इसके अंदर अपवर्ड वाला इश कॉन्सोनेंट यूज करेंगे, शेव। नेक्स्ट है शिफ्ट, तो शिफ्ट, शिफ्ट। नेक्स्ट है डैश, डी एक वोवल फिर एश, डैश इश वोवल डैश। नेक्स्ट है फिश, फी श फिश, एफ इफ एफ और फिर इसकी साउंड फिश, फिश, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रश, ब्र श, तो ब्रश के अंदर भी हम इसके अंदर डाउनवर्ड वाला यूज नहीं कर सकते, कन्वीनियंट नहीं होगा। तो कन्वीनियंट के लिए आपका, कन्वेंशन के लिए आपका इसके अंदर अपवर्ड वाला इश यूज़ किया जाएगा। जैसे इसके अंदर और भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आपका एग्जांपल हो गया एसोशिएट, एसोशिएशन की आउटलाइन है एसोशिएशन की बुक एसोसिएशन हो गया। और भी एग्जांपल है अप्रिशिएट है, जैसे
appreciate हो गया, next है appreciation, foolish हो गया, flash हो गया, flash हो गया, ठीक है, social हो गया, example social हो गया, ठीक है, shoulder हो गया। तो ये examples हैं सभी की, आपको अच्छे से practice करनी है इस वाले की, और आपको खुद ही इसके अंदर पता चल जाएगा इसके अंदर आपका कौन से word के अंदर आपका upward word use किया जाएगा इस, और कौन से के अंदर आपका downward किया जाएगा, ठीक है। तो convincing के लिए आपके इसके अंदर हम use, next इसके अंदर हमारा point है 82 number point, जो है आपका stroke R। तो स्ट्रोक आर क्या है, ठीक है, टू कीप द आउटलाइन क्लोज टू लाइन ऑफ राइटिंग, जो आपकी दो लाइंस होती हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड की होती हैं नोटबुक के मान लिए, तो उसके क्लोज में लिखने के लिए ये पॉइंट में लिखा गया था अपवर्ड आर इज जनरली यूज्ड वेयर आर फॉलोज टू डाउन स्ट्रोक। जब उसके अंदर टू दो डाउन स्ट्रोक आ जाएंगे उसके बाद आर के साउंड आएंगे, तो उस कंडीशन में हम इसके अंदर अपवर्ड वाला आर यूज करेंगे। तो यही आपका स्ट्रोक आर की कंडीशन है, फॉर सम रीजंस डाउनवर्ड आर इज यूज्ड फाइनली आफ्टर टू स्टेट अपस्ट्रोक। तो अपस्ट्रोक के बाद, जैसे आपका पहले वाला रूप था, दो अपस्ट्रोक के बाद हम इसके अंदर डाउनवर्ड आर यूज करेंगे, ये आपका रूल था, पहले पढ़ा था हमने, उसी तरह ये वाला आपका रूल है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है प्रीपेयर, तो प्री के साउंड प्रीपेयर, ठीक है, प्रीपेयर, ठीक है, प्रीपेयर, तो दो डाउन स्ट्रोक आ गए, प्री आ गया ये डाउन स्ट्रोक, फिर पी आपका डाउन स्ट्रोक आ गया, तो दो डाउन स्ट्रोक के बाद आपके इसके अंदर आर की साउंड आ गई है, तो इस कंडीशन में हम डाउनवर्ड आर को छोड़ के अपवर्ड वाला इसके अंदर आर यूज किया गया है। नेक्स्ट है प्रोसीडर, प्रोसीडर, तो प्रोसीडर, प्रोसीडर, ठीक है, तो प्रोसीडर के बाद आपकी दो डाउन स्ट्रोक है, उसके बाद आपके अपवर्ड वाला आर यूज किया दिया। नेक्स्ट है अपस्टेयर्स, अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, तो दो साउंड स्टेट स्ट्रोक के बाद आपका आर इसके अंदर अपवर्ड बना है, अप स्टेयर्स। नेक्स्ट है डाउन स्टेयर्स, एग्जाम्पल जैसे विजिटर्स आ गया, विजिटर, ठीक है, तो विजिटर, तो विजिटर के अंदर आपकी दो इसके अंदर डाउन स्ट्रोक है, उसके बाद आर के साउंड आए, तो अपवर्ड वाला आर इसके अंदर यूज किया गया है। तो यही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पहला डिस्पेयर एग्जाम्पल हो गया, डिसअपियर हो गया, प्रेजर, ट्रेजरर हो गया, फर्नीचर हो गया, शेक्सपियर हो गया, शेक्सपियर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जैसे आपका रेयर हो गया, रेयरर, ठीक है, दो आर के बाद आपकी इसके अंदर दो आर कॉन्सोनेंट के बाद आपकी आर की साउंड आ जाए, तो उसके बाद आपका डाउनवर्ड वाला आर यूज किया जाएगा। तो ये रूल भी आपको ध्यान में रखना है, दो अपस्टेट स्ट्रोक के बाद आपका आर के साउंड आए, आपको डाउनवर्ड यूज करना है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान में रखे बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, साउंड को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आया था 83 नंबर पॉइंट, जो आपका है स्ट्रोक एस, तो 83 नंबर पॉइंट है आपका स्ट्रोक एस। तो स्ट्रोक एस रिटर्न इन अ वर्ड लाइक, तो आपका वर्ड दिए गए हैं, तो इन सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको ध्यान में रखने हैं वर्ड्स। जैसे पहला आपका है साइंस, तो साइंस, साइंस वर्ड आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, साइंस वर्ड आपको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये आप उसके अंदर वर्ड के अंदर बताया गया है साइंस, तो उसके लिए आपकी आउटलाइंस रिप्रेजेंट की गई है। साइंस के लिए आपको साइंस आपको ऐसे इसके अंदर लिखना है, ट्राइफोन इसके अंदर यूज करने हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक, साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक की आउटलाइन
साइन हो गया, शेम हो गया, नेक्स्ट कंटिन्यूअस हो गया, ऐसे एग्जांपल कंटिन्यूअस एग्जांपल्स हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर स्टेंटिनस हो गया, पियानो, सभी एग्जांपल्स हैं ऐसे स्ट्रोक ऐसे रिलेटेड सभी एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो इन्हीं सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसके अंदर ध्यान में रखना है आपको रूल्स, ठीक है। सभी रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, मीडियल डब्ल्यू अपवर्ड इश स्ट्रोक आर एंड टाइफोन्स का पार्ट तो आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी थे आपके रूल्स चैप्टर के अंदर। चैप्टर हमारा फिनिश होता है, लास्ट पार्ट रहता है हमारा शॉर्ट फॉर्म्स का, तो शॉर्ट फॉर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसके अंदर फोर शॉर्ट फॉर्म है डेंजर, डेंजर की आउटलाइन, डेंजर की आउटलाइन है डी कॉन्सनेंट फिर जे आर डेंजर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल, फाइनेंशियली की आउटलाइन है एफ एन फिर एन ऑन द लाइन। नेक्स्ट है मोर्टेज एंड मोर्टेज्ड की आउटलाइन है एम आर और गे कॉन्सनेंट अबव द लाइन। नेक्स्ट है नेगलेक्ट एंड नेगलेक्टेड की आउटलाइन है एन फिर गे एल अबव द लाइन। नेक्स्ट है आउटलाइन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस्ड, ठीक है, एस वाला भी इसके अंदर आया था, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस्ड की आउटलाइन है पी आर फिर के कॉन्सनेंट ऑन द लाइन। नेक्स्ट आउटलाइन है यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है वे कॉन्सनेंट फिर वर सिटी, यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है ऑन द लाइन बनेगी। नेक्स्ट आउटलाइन है इंग्लिश, इंग्लिश की आउटलाइन है एन जी फिर इश कॉन्सनेंट। नेक्स्ट है एक्सचेंज एंड एक्सचेंज की आउटलाइन है के फिर एस फिर चे कॉन्सनेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट है फैमिलियर एंड फैमिलिस्टी की आउटलाइन है एफ और एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑन द लाइन। नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट फॉर्म है टेलीग्राम, टेलीग्राम की आउटलाइन है टी एल फिर एम कॉन्सनेंट। तो ये सभी शॉर्ट फॉर्म्स थी, तो सभी शॉर्ट फॉर्म्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड पे आपको ध्यान रखना है, डेली मेरी डिक्टेशन को आपको अटैम्प्ट करना है। तो 135 इसके अंदर एक्सरसाइज आती है, 136 एंड 137 की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 18 है फिगर्स का, तो वो आपका कंप्लीट होने के बाद आपकी पूरी शॉर्ट हैंड की बुक पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी भी फिनिश होती है।